मिथुन राशि, 12वें घर में गोचर कर रहा चंद्रमा व्यर्थ की भाग दौड़ कराएगा, लेकिन सायंकाल के बाद अपनों का बेहतर सहयोग पाने में आप सफल होंगे। यात्रा में सावधानी रखिएगा, भगवान सूर्य के द्वादश नाम का उच्चारण कर कार्य प्रारंभ करिए, निश्चित सफलता मिलेगी। आज आपके सफलता का मीटर 65%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। तुला राशि, आज आपके विदेश जाने के मार्ग का अवरोध समाप्त होता हुआ दिखाई देता है और इसी के साथ साथ बकाए धन के मिलने की भी संभावना बन रही है। दूसरे की भावनाओं का विशेष ख्याल रखिएगा। ओम सूर्याय नमः मंत्र का 11 बार जप करके घर से निकलिए। आज सफलता का मीटर 65%, सेहत का 70% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। कुंभ राशि, विवाह के सुनिश्चित होने की दिशा में किया गया प्रयास सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। धन लाभ के साथ नौकरी में सम्मान वृद्धि का योग भी बन रहा है। आज के दिन मांसाहार करने से बचिएगा। आज गरीबों में अन्न का दान दिन के सभी कार्य सफल बनाएगा। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 70 और संबंध का मीटर 80% अंक देता है। और आचार्य जी, जैसा कि आज है नवरात्र का 5वां दिन, यानी कि आज माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है, माँ स्कंद माता का स्वरूप किस तरह का है? जी, नवरात्रि में 5वें दिन स्कंद माता की उपासना का प्रावधान है। यदि किसी भक्त को संतान उत्पन्न होने में समस्या हो रही हो, अथवा संतान होने के बाद भी जीवित न रहता हो, अथवा संतान से संबंधित किसी भी प्रकार का कष्ट हो, तो माता का पूजा मनोरथ सिद्ध करने वाला कहा जाएगा। माता ने तारकासुर नामक आतंकी राक्षस से जगत को मुक्ति दिलाने हेतु स्कंद या कार्तिकेय या मुरुगन को जन्म दिया। भगवान स्कंद को जन्म देने के कारण ही स्कंद माता के नाम से जगदम्बा को जाना जाता है। माता का यह स्वरूप दुर्गा के इस 5वें स्वरूप को अत्यंत दयालु माना जाता है। भगवती का यह स्वरूप मातृत्व को परिभाषित करने के साथ साथ लोक कल्याण वाला भी है। माता की 4 भुजाएं हैं। दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा में भगवान स्कंद गोद में और दाहिने तरफ नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प विद्यमान है। बाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा और नीचे वाली भुजा में भी कमल दल विद्यमान है। माता की सवारी शेर है तथा यह कमल के आसन पर विराजमान होती हैं, जिसके कारण इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। आचार्य जी, हमारे साथ हरियाणा जिंद से सुरेश कुमार एक दर्शक फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है कार्यक्रम में सुरेश जी आपका। डिटेल्स बताइए, जन्म की तारीख क्या है? 25 अगस्त 1975। जी, 25 अगस्त 1975। जी, जन्म का समय क्या है सुरेश जी? समय मालूम नहीं है जी। समय नहीं जानते, कोई बात नहीं, अपना सवाल पूछिए। ये काम नहीं चल रहा जी, ऐसे शरीर में भी बीमारी दिक्कत रहती है, 1 साल से काम नहीं चल रहा जी, काम में बाधा ज्यादा है। ठीक है आचार्य जी, सुरेश जी अपना जन्म का समय तो नहीं जानते, लेकिन वो जानना चाहते हैं उनकी सेहत को लेकर और कार्य में आ रही बाधा को लेकर। सुरेश जी देखिए, जिस समय आपने प्रश्न किया है उस समय प्रश्न कुंडली अस्पष्ट रूप से आपके थोड़ा सा खराब समय की तरफ संकेत कर रही है। आपका प्रश्न कुंडली कर्क लग्न में बनता है और चंद्रमा नामक ग्रह बुरी तरह पापाक्रांत अवस्था में बैठा हुआ है, अर्थात रोग और शत्रु के घर में बैठा हुआ है, जिसके फलस्वरूप चंद्रमा के धनु राशि में खष्ट भाव में गोचर के कारण आरोग्यता में भी समस्या है और आर्थिक प्रगति में भी समस्या है। इन दोनों से निदान के लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक काम करिए, प्रतिदिन नियम पूर्वक राम रक्षा स्त्रोत्रम, ध्यान रखिए, फिर से बोल देता हूँ, राम रक्षा स्त्रोत्रम,
का नियमित पाठ करिए और बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु के मंदिर जाकर पीले पुष्प की माला उन्हें अर्पित करिए, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। मेष राशि, आज अपने कार्य हेतु आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। धन का प्रयास लेकिन निश्चित सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है, अपना वादा आज जरूर निभाइएगा। अन्न का दान करिए, दिन अत्यंत सुखद बीतेगा। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 80% अंक देता है।